नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड। हालांकि 4-5 दिन से मैटर चल रहा फ्लाइट से रिलेटेड, और सऊदी सरकार ने कुछ सहूलियत देते हुए भैया फ्लाइटें स्टार्ट की भी हैं। अच्छी न्यूज़ ये है, पाकिस्तान की तरफ से कम्प्लीटली फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं। इंडिया की तरफ से माजरा क्या है, किस तरह से क्या कंडीशन चल रही है, उसी पे हम बात करेंगे। कौन लोग सऊदी अभी जा सकते हैं, इस डिटेल पे भी बात करेंगे। टिकट का प्राइस, टिकट कहाँ से बुकिंग करें, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही एडवाइस मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। सऊदी अरबिया में कोरोना अपडेट डाउन चल रहा है, आपने देखा होगा, सबको पता ही है क्योंकि लोग हैं जाने वाले, ठीक है। तो लगभग तो वहाँ की सरकार ने कुछ सहूलियत, हालांकि सहूलियत और कंट्री किस बजाय कम है, कम इसलिए है कि इंडिया के लिए फ़्लाइटों का अभी तक कुछ पूरा समाधान नहीं हो पाया जो हम चाहते थे। हालांकि फ़्लाइटें चालू हुई हैं, जी हाँ, अभी शेड्यूल में भी दिखा रहा है, वंदे भारत 6 में भी दिखा रहा है, लेकिन वो कंफर्मेशन एयरलाइन कंफर्मेशन नहीं कर पा रही है कि ये हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। अभी इंडिया की तरफ से नॉर्मल फ़्लाइटें अभी बैन है, आपको सबको पता है। हालांकि फ़्लाइटें जा रही हैं वो वंदे भारत 6 के तहत जा रही हैं, समझ रहे हो बात को। तो सऊदी सरकार ने कुछ बीच का रास्ता निकालते हुए, अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई पाकिस्तान के लिए पूरी फ़्लाइटें स्टार्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको पता है लगभग फ़्लाइटें स्टार्ट कर चुकी हैं, वहाँ पर कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तानी लोग सऊदी जा रहे हैं, इंडियन लोग सऊदी जा रहे थे, दुबई, दुबई से सऊदी, कुवैत, ऐसे लोग जा रहे थे। अब सऊदी सरकार ने एक जो कोविड टेस्ट होता है उसमें सब कंट्रियों के 96 आवर्स वैलिड है, लेकिन सऊदी सरकार के पता कितना है, 48 आवर्स, यानी 48 घंटे का मात्र ड्यूरेशन रखा उन्होंने कि 48 घंटे पहले की वैलिड हमारे पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसको पीसीआर रिपोर्ट बोल सकते हैं। अब आपको जब भी सऊदी जाना है तो भाई 48 घंटे कितने होते हैं, एक दिन में 24 घंटे यानी 2 दिन की रिपोर्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट आने के बाद आप टिकट बनाओगे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है भाई, क्योंकि मैं बता दूं, जैसे सपोज़ करें अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे आपने कोरोना टेस्ट का वो दिया, आपने टेस्ट करवाया, तो उसकी रिपोर्ट मिलती है लगभग 24 घंटे इंडिया में, 24 घंटे में, तो आपका एक दिन तो गया। और वो रिपोर्ट मान्य कब से होगी, ये नहीं कि रिपोर्ट आने के बाद 24 घंटे लागू होंगे, नहीं जी, ये रिपोर्ट तब से मान्य होगी जब आपके नाक में वो नकेल घुसे देते हैं ना, घुसोड़ देते हैं, तभी से वो टाइम स्टार्ट हो जाता है। 24 घंटे में रिपोर्ट आती है तो दिन तो एक बचा आपके पास, ये माइनस पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपको गौर करने की बात है, क्योंकि आप गरीब बंदे जो पैसों का जुगाड़ करके 25-30 हज़ार की टिकट आएगी भाई, ये देख लीजिए टिकट का पैसा 25-30 हज़ार रुपये से कम टिकट नहीं मिलने वाली आपको, तो पैसा इंतजाम करके बंदा जाता है, फिर कैसे टिकट मिलेगी। कई बार टिकट फुल हो, मान लो जी टिकट फुल हो गई, टिकटें बिक गई यानी टिकट ख़त्म हो गई, कैसे जाओगे आप 48 घंटे, फिर आपको दोबारा टेस्ट कराना पड़ेगा, इसका मतलब तो ये हो गया ना। तो यानी ये एक गलत किया सऊदी सरकार को, सोचना चाहिए था कम से कम 96 आवर्स देना चाहिए था, लगभग 4.5 दिन का टाइम उसमें होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया, ये बिल्कुल गलत है। 2 दिन में भी 2 नाइट हैं और डे तो 2 ही हैं, 12-12 दिन की, ये समझ सकते हैं आप, तो ये बिल्कुल गलत है। अब इसमें जाने वाले कौन लोग हो सकते हैं वो सोचने की बात है भाई। तो मैं बता दूँ, नए जिनके वीज़ा आए हुए थे, ठीक है, नए वीज़ा आए हुए थे, वो लोग अभी नहीं जा सकते, उनका अभी कंफर्मेशन सरकार ने नहीं किया है, जी हाँ, वो लोगों का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भाई जनवरी, मुझे लग रहा है जनवरी से पहले नए वाले लोगों का कोई समाधान नहीं होगा। जिनके पासपोर्ट में वीज़ा स्टैम्पिंग हुआ था, जिनके वीज़ा लग गया था, उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है, अभी लोग सऊदी वही लोग जा सकते हैं जिनका पासपोर्ट में वीज़ा वैलिड है, अखामा वैलिड है, वही लोग जा सकते हैं। बाकी लोग जो एक्सपायर हो गए भाई, वो अपने कफील से, अपनी कंपनी से बात करके रिन्यू करवाएं, तब जाके उनका काम बन सकता है, बाकी अभी उनका काम नहीं बनने वाला। आप विजिट में जा सकते हैं, आपके पास वैलिड अखामा है, आपके पास वैलिड वीज़ा है, वर्क परमिट लगा हुआ है, तो आप कोविड टेस्ट रिपोर्ट PCR की ICMR से वेरीफाइड होनी चाहिए, वे भी सुन लीजिए, ICMR से वेरीफाइड आपका रिपोर्ट, ये नहीं कहीं हॉस्पिटल में गए 2-3 हज़ार में रिपोर्ट बनवाई आप वो नहीं चलेगी, एयरपोर्ट से वापस निकलना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बातें हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया यही है। फ्लाइट की बात करें तो भाई कम से कम दिल्ली, बॉम्बे, कोची, 3-4 जगह से फ़्लाइटें जाएंगी, ये नहीं भाई जयपुर से फ़्लाइट नहीं मिलेगी राजस्थान वालों को, यूपी, बिहार, हिमाचल या फिर पंजाब, वहाँ से फ़्लाइटें नहीं मिलने वाली है। इन जब यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली ये लोग हैं, इनको दिल्ली से फ़्लाइट मिलेगी,
बॉम्बे के आसपास के लोग हैं उनको बॉम्बे से मिलेगी, कोचिकोड है उधर के जितने लोग हैं उधर से मिलेगी, एक जगह एक दो जगह और हो सकती है वहाँ से आपको फ़्लाइट मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं ये कंडीशन है, न्यू वीज़ा वाले नहीं जा सकते। जो छुट्टी आए थे जिनका खामा वैलिड है या वीज़ा वैलिड है वो लोग जा सकते हैं। 48 घंटे पहले का आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए, 48 घंटा बहुत कम होता है भाई, ध्यान रख लें। टिकट बुक का पहले करवा लें, पता लगे आप नेगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई तो आपका पैसा फिर वो तो बोल देंगे एजेंसी वाले हम क्या करें, अब फ्लाइट चली गई हमारा पैसा लग गया जी। तो ये बहुत सोच समझ के आपको फैसला करना है, ये बहुत बड़ी एक ये जुआ इसको बोल सकते हैं, जुआ है ये, रिस्क है ये समझ सकते हैं। दो दिन की वैलिड होती है, उसी के दौरान आपको टिकट करनी होती है, क्योंकि जैसे आपका कोविड टेस्ट होता है 48 घंटे बहुत कम संख्या, बहुत कम आवर्स है यार, बहुत कम टाइम दिया है उन्होंने, और उसी के दौरान टिकट बुक करवाना थोड़ा सा पंगे का टाइम है, लेकिन मजबूरी भी है भाई। 25-30 हज़ार से कम टिकट नहीं मिलेगी। चार्टर फ्लाइटों का भी ऑप्शन चल रहा है मेरे सुनने में आ रहा है, तो आप अपने स्तर पर बड़ी एजेंसी हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लें और जहाँ से टिकट बनाएं कन्फर्म बनाएं कि भाई टिकट का पैसा मैं दे रहा हूँ, कल को मुझे फ्लाइट नहीं मिली तो ये पैसा रिफंड होना चाहिए। कई बार टिकट लोग बना देते हैं, फ़्लाइट कैंसिल हो गई जी, फ़्लाइट का शेड्यूल नहीं बना जी, वो तो पैसे चले गए जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिनसे भी टिकट बनवाएं सोच समझ के बनवाएं, पैसा ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि सऊदी का सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है जी हाँ। तो थोड़ा सा और टाइम बहुत कम दिया यार, 48 घंटे कितने होते हैं, दो दिन में PCR की रिपोर्ट भी लेनी कोरोना नेगेटिव टेस्ट की और आपको टिकट भी बनानी और पहुँचना भी, तो कितना बड़ा लफड़ा यार, कैसे हो पाएगा ये, मेरे तो थोड़ा सा समझ से बाहर है। बाकी आप लोग कैसे इसको मैनेज करोगे भाई, वो तो आपको सोचने की बात है। बाकी सऊदी गवर्नमेंट का ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, 96 और सरकार को देना चाहिए था आप लोगों के लिए। बस आज की जानकारी यही थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।